सिंपल फूड्स को स्वागत है। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे चिकन कोफ्ता करी। चिकन कोफ्ता करी बनाने के लिए हम लेंगे 1/2 किलो बोनलेस चिकन, 1 छोटी प्याज कटी हुई, 1 स्पून रोस्टेड चना दाल, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, 2 स्पून कोकोनट पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून हल्दी, 1 स्पून चिकन मसाला, 2 प्याज, मीडियम साइज प्याज लेंगे हम, इसी तरह काट लेंगे इसको। हम डीप फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई के लिए ऑयल, 1 टमाटा लेके इसको क्यूरी बना लेना है हमको मिक्सर में डाल के। चार हरी मिर्च, 2 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम चिकन डाल लेंगे, उसमें सारे मसाले डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेना है। नमक, हाफ स्पून इसमें हम कोकोनट पाउडर डाल लेंगे, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1 प्याज, 1 लाल मिर्ची पाउडर 1/4 स्पून, 1/4 स्पून हल्दी, 1/4 स्पून गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल के इसको हम मिक्सर में पेस्ट कर लेंगे। कोई अच्छा सा पेस्ट बन गया है इसमें। अब अभी हम रोस्टेड चना दाल पाउडर बना के डाल लेंगे। हाफ स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, मैं ये भूल गई थी, फर्स्ट ही मिला लेंगे चिकन में ही। 2 हरी मिर्च डाल के इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे। हमारा कीमा बन गया है, पैन ले लेंगे, इसमें ऑयल डाल लेंगे, ऑयल गर्म होने के बाद हम इसको इसमें आनियंस डाल के डीप फ्राई कर लेंगे। ब्राउन आनियंस बनाना है हमको। कलर चेंज हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेंगे आप। बन गए हैं हमारे ब्राउन ऑनियंस।
अब ऑयल को हम पैन में 3 से 4 स्पून तक रख लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे हम, या ये ब्राउन ऑनियंस को पेस्ट बना लेना है हमको। अब ऑयल में हम अदरक लहसुन पेस्ट डाल लेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। देखो अच्छा सा कलर आ गया है। इसमें हम सब मसाले डाल लेंगे। धनिया पाउडर, कोकोनट पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया, हल्दी, इसको 1/2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सिम पे रख के ही करेंगे। इसमें टमाटर प्यूरी डाल लेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। डाल के इसको 1 मिनट तक पकाएंगे सिम पे रख के। इसमें अब हम पानी डाल लेंगे। ये आनियन पेस्ट जो ब्राउन आनियंस के बना ले हैं उसमें ऐड कर लेंगे, और चिकन मसाला, और वाटर डाल लेंगे। 2 से 3 कप वाटर डाल लेंगे। इसको ढक देंगे। अब हम चिकन कोफ्ता बना लेना है। छोटे छोटे बॉल्स आप कितना साइज का है तो उतना बना ले सकते हैं। अब कोफ्ते को इसमें डालेंगे। वाटर गरम हो गया है ये। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है हमको। देखो अच्छा सा बन गया है ये। इसको पका लेंगे। चिकन कीमा बॉल्स कितने टाइम तक पकते हैं उतने टाइम तक पका लेना है हमको।
तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लग जाएंगे। चेक कर लेंगे एक बार, ये पक गए हैं। इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। अब इसको ढक के 1 मिनट तक रखेंगे। बन गए हैं हमारे चिकन कोफ्ता करी। इसी तरह आप भी घर पे बनाइए, बना के वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।